5 साल में विधायक जी दिखे या उनका कार्य दिखा, विधायक जी दिखे कि नहीं विधानसभा में? सड़क बिजली पानी सारी व्यवस्था सही की। चुनावी सफर में हम पहुंच चुके हैं किराकत विधानसभा में। विधायक ने कार्य किया या नहीं किया, अब जनसंपर्क के लिए खुद विधायक जी निकल चुके हैं और जनता है, जनता से सीधा जानेंगे कि विधायक जी ने कार्य किया 5 साल में विधानसभा में दिखे या नहीं। विधायक जी दिखे, उनका कार्य दिखा आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बराबर आते हैं और जो भी समस्या होती है जनता की सुनते हैं। सड़क बिजली पानी सारी व्यवस्था सही की। दिखे थे वो, कार्य किए हैं 5 साल में? 5 साल में जमीनी स्तर पे कार्य हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अच्छा काम तो सड़क का हुआ है। हुआ है, बिल्कुल हुआ है। निश्चित कुछ और भी लोग हैं, युवा साथी हैं, आपसे जानेंगे 5 साल में विधायक जी दिखे या उनका कार्य दिखा, विधायक जी दिखे कि नहीं विधानसभा में? दोनों दिखा है। अच्छा, अच्छे से दिखाया है। युवा इस बार किस लिए किस मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे, युवाओं के मन में क्या है किराकत के? अच्छा विचार है, हमारी सरकार योगी जी की बनेगी तो और अच्छी बात है। आपकी बार मोदी सरकार जी, आप बताइए, आप तो एकदम नेता टाइप आदमी हैं, विधायक जी दिखे कि नहीं? दिखे, दिखे बराबर दिखे जी सर, दिखे बराबर दिखे और काम भी दिखा जी। बीजेपी निश्चित मुद्दा विकास का है, जिस मुद्दे को लेकर विधायक जी मैदान में है, ये जनता है जिन्होंने बताया कि विधायक जी दिखे हैं और इनका कार्य दिखा है। लेकिन अब तो समय ही बताएगा कि किराकत का विधायक कौन होता है। तब तक के लिए देखते रहिए आज लेकर जनसंपर्क तेज हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं किराकत विधानसभा में। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। किराकत के भाजपा के जो विधायक हैं दिनेश चौधरी, वो जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाजपा को मतदान करें। दिनेश चौधरी जी, हम बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। अब किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? 5 साल तो आप ही विधायक थे, कार हुआ? जो कार बच गए हैं, कार तो बहुत हुए हैं। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारे कर्मठ युवा यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, प्रदेश की कमान संभाले हैं, तब से लगातार प्रदेश के लिए, गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, और जो सबसे कमज़ोर है हमारे समाज के, मतलब प्रदेश के वनवासी जिसको बोलते हैं, उनके लिए तरह तरह की योजनाएं चलाए हैं और काम किए हैं। काम कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी जो काम बच गए कोरोना काल के नाते, अभी 2 साल इसी में कोरोना काल आ गया, कोरोना काल के नाते हमारे बहुत से प्रमुख चीज़ें बच गई हैं, उसको जनता को बताए हैं। और अगली सरकार हमारी बन रही है और जैसे ये लोग मुझे विधायक बनाएंगे, उस काम को हम, मतलब बड़ी तेज़ी से अपनी सरकार से निवेदन करके करवाएंगे। जनता के बीच में जा रहे, क्या माहौल समझ में आ रहा है, कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। अभी देखिए, यहीं पे हमारे प्रधान जी, यादव प्रधान हैं, वो कह रहे हैं कि जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो हम आपके साथ हैं। अभी अभी हमारा यहाँ पवन यादव इस गाँव के ग्राम प्रधान हैं, पहली बार प्रधान बने हैं। जब ये यादव शब्द आता है तो लोग बोलते हैं कि नहीं ये सपाई हैं, लेकिन यादव लोग भी हमारी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, हमारे केंद्र सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनको पूरा विश्व लोहा मान रहा है, जो देश वीजा देने से कतराता था, आज वही देश उनका खड़े होकर स्वागत कर रहा है। ऐसे देश और प्रदेश का काम से सारे लोग संतुष्ट हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इस बार बहुत भारी मतों से विजयी बनाएंगे कि हमारी सरकार तो बन रही है। कुछ दिन पहले आपका विरोध भी हो रहा था, कई जगह आपके पुतले दहन किए गए, उसको किस तरीके से देखते हैं? अब देखिए भाई, टिकट मांगना सबका अधिकार है, टिकट मांगना तो सबका अधिकार है ना, तो कुछ विरोधी तत्व उनको बढ़ा चढ़ा वो तो नहीं कर रहे, जो विरोधी भी पस्त हो चुके हैं। इसके पहले भी जो यहाँ सपा बसपा की गढ़ कहा जाता था किराकत विधानसभा को, कि यहाँ केवल सपा और बसपा के विधायक बनेंगे और कोई नहीं बनेगा, तो जब देख रहे हैं कि एक मजबूत आदमी आ गया है तो विरोध तो करेंगे। ये विरोधियों की चाल है, न कि भारतीय जनता पार्टी की चाल है। सामने तूफानी सरोज हैं समाजवादी पार्टी से, टक्कर मानते हैं उनसे? कोई टक्कर ही नहीं है उनका तो, वो तो टक्कर से बाहर हैं। अभी हम जो सड़क बना रहे हैं, वो 15 साल सांसद रहे हैं, 2 बार हारे हैं, 2 बार हारे हैं, लड़े हैं 15 साल, मतलब 25 साल पहले। अब वो कहते हैं कि हम तो शिलान्यास किए थे, वो इस सड़क बन रही, अब बताओ जनता नहीं देख रही आपने 15 साल में क्या किया है? जनता भी देख रही है कि आपने 15 साल में क्या किया है, जब आप सांसद थे तब तो कुछ किए नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही तो उसको बोल रही तो हम शिलान्यास किए। वो हमारे कहीं टक्कर में नहीं है, बहुत दूर दूर तक टक्कर में नहीं है। जनता चुनेगी आपको? 100% जनता चुनेगी, जनता विश्वास की है। आप देख नहीं रहे जनता की लोकप्रियता, विरोधी
उनका भी आप देख ही रहे हैं। इसलिए सरकार हमारी इस बार 300 सीट से ऊपर जा रही है और पूरे प्रदेश में सारे लोग मान चुके हैं कि यही सरकार है जो देश हित के लिए प्रदेश हित के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है किराकत के विधायक दिनेश चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि मुद्दा विकास का है और किराकत के विश्वास का है, जिसे करने का कार्य किया जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए राजस्थान टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।